कि हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं है पढ़ाई के अंदर, हमारा इंटरेस्ट ही नहीं है। उस इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाए? अंदर से पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, जबरदस्ती पढ़ना पड़ रहा है, ये जड़ है प्रॉब्लम की। अगर आपको पार्क में जाकर के खेलना है तो उसके लिए किसी मोटिवेशन सेशन की जरूरत है क्या? नहीं है। आप जाओगे जाकर के पार्क में खेलोगे। फेसबुक के ऊपर बैठ करके टाइम पास करना है, उसके लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत है क्या? मुझे जरूरत है आकर के बोलने की कि प्लीज अपना फेसबुक पर टाइम स्पेंड करो? सॉल्यूशन ये है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मैं आकर के, आपके पेरेंट्स आकर के, पूरी दुनिया आकर के आपको कहे कि मत पढ़ो, मत पढ़ो, खबरदार अगर पढ़े तो, और फिर भी आप पढ़ो। आपको नहीं, मैं तो पढ़ूंगा, आने तो मेरे सामने कौन आ रहा है, उसको देख लूंगा, देखता हूं मेरे को कौन रोकता है पढ़ने से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो समझ जाओ खेल हो गया, काम हो गया। जो आपकी स्टूडेंट लाइफ है उसमें पढ़ना था, आप पढ़ लिए। उसके बाद में जॉब करनी है तो जॉब में अपना 100% डाल दिया। बिजनेस करना है, बिजनेस में 100% डाल दिया। एटलीस्ट स्टूडेंट लाइफ में तो आपने 100% डालना सीख लिया ना, तो आगे भी आप लाइफ में जो भी करोगे आप पूरे दिल से करोगे, पूरे तरीके से करोगे। अब कैसे करना है? आपको एक वजह चाहिए, आपको एक बहुत बड़ी वजह चाहिए पढ़ने के लिए। अरे यही जड़ है भाई, आपके पास कोई बहुत बड़ी वजह ही नहीं है पढ़ने की, कोई वजह ही नहीं है उन सारे एडिक्शंस को छोड़ने की जिन्होंने आपको जकड़ रखा है, कोई वजह ही नहीं है अपनी बड़ी से बड़ी आदतों को बदलने की जो आदतें पड़ गई हैं। आदतें क्या है? ना पढ़ने की। एक नई आदत डालनी पड़ेगी, वो है पढ़ने की। उसके लिए कोई वजह तो चाहिए, और बहुत बड़ी वजह चाहिए, तभी आप उस पर एक्ट करोगे, नहीं तो क्यों करोगे? आप कहोगे ठीक है जिंदगी चल तो रही है, चलती रहेगी ना, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या जा रहा है? एक्सक्यूजेस बनाते रहोगे कि इस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, उस वजह से नहीं हो रहा, जबकि अंदर से आपको भी पता होगा कि ये सब एक्सक्यूजेस हैं, असली कहानी कुछ और है। तो वजह चाहिए, वजह क्यों चाहिए? आपको एक बर्निंग डिजायर चाहिए पढ़ने के लिए, बर्निंग डिजायर। क्यों? क्योंकि रियलिटी क्या है? पहले हमको रियलिटी को समझना है, हम रियलिटी को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे। रियलिटी क्या है कि अगर आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो ज्यादातर जो यहां पर स्टूडेंट्स हैं उनको 5 ही पसंद नहीं, ज्यादातर जो लोग हैं, कुछ लोग होंगे जिनको उन 5 में से 1 या 2 सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं, कुछ, और रेयरेस्ट ऑफ रेयर कोई होगा जिसको 5 अच्छे लगते होंगे। तो खेल क्या है कि जो सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, जिसमें मजा आता है, वो तो आप पढ़ लोगे, उसमें तो आप मार्क्स ले आओगे, लेकिन बाकी के वो सब्जेक्ट जो आपको अच्छे नहीं लगते, जो टॉर्चर लगते हैं, उसमें मार्क्स कैसे लाओगे? उसको पढ़ने का आपका मन ही नहीं करेगा, तो आप क्या करोगे? आप बहाने बनाओगे, अपने ध्यान को बार बार कहीं और लेकर के जाओगे, डिस्ट्रैक्शंस की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे, खुद आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट करोगे, ताकि उस टॉर्चर को सहना ना पड़े, उस मेंटल पेन को सहना ना पड़े, वो ना करना पड़े जो हम नहीं करना चाहते, जो हमारा मन नहीं है। लेकिन रियलिटी क्या है कि आपको 5 सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, चाहे आप चाहो या ना चाहो। इतना खतरनाक है।